अबू धाबी मैच देखने ग्राउंड पहुंच गई। कहती हैं शोएब डिसिप्लिन्ड खिलाड़ी हैं, ढलती उम्र के बावजूद फिटनेस और कारकर्दगी बरकरार रखे हुए हैं। पीएसएल का एक और अहम मैच शुरू हो गया, पेशावर जलमी की कराची। तैयार है पूरा पाकिस्तान। सजने वाला है मैदान। बॉलर्स की फहरिस्त में पहले नंबर पर न्यूजीलैंड के कॉलन मनरो, बल्लेबाजों में टॉप पर बैट्समैन में बाबर आजम का तीसरा और इमाद वसीम का बॉलर्स में चौथा नंबर। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद की मुलाकात, सियासी सूरतेहाल और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। ऑफशोर कंपनी का जवाब दो, नैब लाहौर ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान को कल तलब कर लिया। अलीम खान कहते हैं अदालतों का एहतराम करते हैं। शहबाज शरीफ की करप्शन बेनकाब करने वाले फैसल सुभान की गुमशुदगी, इमरान खान ने अदालती तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं पंजाब की नौकरशाही का किरदार बेनकाब हो चुका है, मेट्रो और ऑरेंज लाइन के मुआहदे भी सामने लाए जाएं। आशियाना इकबाल करप्शन केस की तहकीकात में तेजी, अहद खान चीमा की निशानदेही पर पकड़े जाने वाला शाहिद शफीक एहतसाब अदालत में पेश, एक रोज के रिमांड पर नैब के हवाले। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद सईद की खुफिया मुलाकात, बगैर प्रोटोकॉल अहद चीमा की रिहाइशगाह आमद, अहद चीमा के अहले खाना को वजीर आला का पैगाम दिया, मुलाकात की भी यकीन दहानी। इल्तवा का शिकार, कई अफसरान का आहत चीमा का साथ देने से इनकार। आहत चीमा की वजह से खजाने को 45 करोड़ का नुकसान हुआ, ताखीर की वजह से आशियाना इकबाल की लागत बढ़ गई। 20 करोड़ नाराजी आहत चीमा और फैमिली के नाम है नैब का ऐलामिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ की जाती उमरा आमद, नवाज शरीफ से 3 घंटे तवील मुलाकात, मुलाकात में अहद चीमा की गिरफ्तारी, सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल। नून लीग यूथ विंग का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, कारकुनान के नवाज शरीफ के हक में नारे, जाती उमरा के बाहर मैं भी नवाज हूं के बैनर्स आवेजा। ये हड़ताल बगावत है रियासत के खिलाफ और ये लाडले, ये सिर्फ लाडले नहीं है, ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ सिर्फ लाडले नहीं है, ये बिगड़े हुए लाडले हैं, ये बिगड़े हुए लाडले हैं। इनके बंदे को अगर पकड़ लिया है तो आप सारे मतलब है, इनको जज चाहिए मलिक कयूम जैसे, इनको सिविल सर्वेंट चाहिए आज चीमे जैसे, इसके बगैर इनकी हुक्मरानी नहीं चल सकती। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी हुकूमती ईमा पर हड़ताल कर रही है, अफसरों का एहतजाज रियासत के खिलाफ बगावत है जिसमें शहबाज शरीफ शरीक हैं, एहतजाज अहसन की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी शुजात और परवेज इलाही से यूरोपी वफ़्द की मुलाकात, इंतखाबात पर तबादला ख्याल,
चौधरी बिरादरान ने कहा कि 2013 के इलेक्शन जमहूरियत के लिए कबूल किए। सियासी मसाइल के बावजूद कारकर्दगी में फर्क नहीं पड़ा, बेचैनी जल्द खत्म हो जाएगी, कराची चलेगा तो पाकिस्तान भी चलेगा, सदर ममनून हुसैन की ताजरों से गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक ने फवाद चौधरी को 5 अरब हर जाने का नोटिस भेज दिया, हर्जा सराय पर कौम के सामने माफी मांगे वरना कानूनी चाराजोई होगी। हमजा शहबाज शरीफ का चिनियोट का दौरा, दोस्तों के साथ खुशगवार मूड, क्रिकेट खेलते रहे, छक्के भी लगाए। फारूक सत्तार का मुफामती फॉर्मूला, एम के बहादुराबाद ग्रुप को पैगाम मिल गया, गुज़िश्ता रोज मुलाकात करने वाले सैयद सरदार अहमद ने भी तस्दीक कर दी। शर्जील इनाम मेमन की तबीयत नासाज, एक पांव काम करना छोड़ गया, इंतजामिया ने डॉक्टर्स को तलब किया लेकिन 4 दिन से कोई न्यूरोसर्जन जेल ना पहुंचा। पाकिस्तान सजने वाला है मैदान, कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान, फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ, देखिए PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? शरीफ इसलिए आपको निकाला कि आपने इस कौम का 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके गए। शेख मुजीब रहमान जिसने पाकिस्तान को तोड़ा ये कहता है कि मैं शेख मुजीब रहमान बनना चाहता हूँ। रोए बिना नहीं रह सकी नेहा धूपिया ने कहा उम्दा अदाकारा को खो दिया। भारतीय अदाकारा श्रीदेवी की मौत से कबल शौहर बोनी कपूर के हमराह शादी में डांस परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर। लोधरा में 6 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाली कजन निकली, पुलिस ने 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, आरोपियों का कहना है कि मुलजिम बच्ची के चचाजात हैं। बच्चियों से दरिंदगी का सिलसिला ना रुका, लोधरा के बाद दुनियापुर में 4 साल बच्ची से ज्यादती, मुलजिम रमजान बाप समेत गिरफ्तार, भावनगर में भी जहनी माजूर लड़की से ज्यादती, GPO का कहना है मुलजिम शिकंजे में आ गया। सियालकोट के इलाके रावल में 45 साल शख्स दरिंदा बन गया, 9 साल की बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया, इब्तदाई रिपोर्ट में साबित हो गया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या नकल करना जुर्म है, खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल नहीं, साबित भी हो गया। एबटाबाद में जहां पुलिस अहलकार अपने बड़ों की सरबराही में खुलेआम नकल करते रहे। औरों को नसीहत खुद मियां फजीहत, KP हुकूमत कर्जा लेने पर तनकीद करती रही लेकिन मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 356 अरब रुपए कर्ज चढ़ गया। नकीबुला महसूद का कत्ल, पसंद नापसंद की बुनियाद पर इंक्वायरी, साबिक SHO सौराब गोट शोएब शूटर को राव अनवार के खिलाफ गवाही देने से इंकार पर केस में शामिल कर दिया गया। आफताब महसूद का कत्ल जाती मामला लगता है, IG खैबर पख्तूनख्वा ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि वो मकतूल की फैमिली के साथ रابطے में हैं, मुलजिम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे।
हवाई फायरिंग मुलजिम अदनान पाशा की अक्ल ठिकाने आई। नई फुटेज में फायरिंग को गलती तस्लीम कर लिया, चैलेंज करने के बयान से फिर गया, मुकदमा दर्ज। चार सदा में निजी क्लिनिक के बाहर सड़क पर ही मरीज का इलाज, पुलिस ने निशानदेही पर डिस्पेंसर गिरफ्तार कर लिया, क्लिनिक सील। गुजरांवाला के इलाके मोमिनाबाद में मुबैना अगवाकार शहरियों के हत्थे चढ़ गया। इमरान नामी अगवाकार का मौकी का रिहायशी नौशहरा रोड पर बहनोई के घर आया था। शिकारियों के लिए हिरन के शिकार की पेशकश, चौलिस्तान में सफारी हंटिंग ट्रॉफी का ऐलान हो गया। भावलपुर के लाल सोहनरा पार्क में 1 मार्च से आगाज होगा। मॉलल टाउन सोसाइटी का इलेक्शन, साहबजादा सैफुररहमान ग्रुप की फतह, 825 खवातीन और 1675 मर्दों ने वोट कास्ट किए। ग्रुप लीडर एप्टिमा गोहर एजाज ने भी वोट कास्ट किया। फूड अथॉरिटी छुट्टी के रोज भी लाहौर में इन एक्शन, मांगा मंडी में मुजरे सेहत पत्ती तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, लाहौर में बेकरी ब्रोस्ट और मिल्क पॉइंट सील्ड। फैसलाबाद में हेपेटाइटिस सी बेलगाम, 6 रोजा स्क्रीनिंग में 12,929 मरीज सामने आ गए, छग में 1334 अफराद में तशखीस, महकमा सेहत परेशान। जंग में हेड दरीमों पर काम सुस्त रवि का शिकार, ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया, गर्मियों में मुल्हिका इलाके जेरे आब आने का खदशा, 18,000 के रिहायशी फिक्रमंद। डेरा मुराद जमाली में कुत्तों की लड़ाई पर इंसान खुद पर काबू नहीं रख सके, एक दूसरे से लड़ाई के दौरान फायरिंग, 2 खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी। सी व्यू पर ग्रीन सिटी वॉक, शुरका के कराची को साफ करो किनारे, मेयर वसीम अख्तर कहते हैं जब तक कचरा खत्म नहीं होगा मसाइल हल नहीं होंगे। वालों को भी अपनी सेहत का ख्याल आ गया, मेजर अजीज भट्टी शहीद पार्क में योगा कैंप लग गया, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर में हजरत बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर, 3 रोज के दौरान हजारों अफराद ने मजार पर हाजिरी दी। पिशावर में पीर मोहम्मद चिश्ती के उर्स की तकरीबात, अकीदतमंदों की मजार पर हाजिरी, उलमाए कराम ने अम की जुजोतहत में उलमा के किरदार पर रोशनी डाली। दरबार पर शीशागिरी की महारत का अमली नमूना, अकीदतमंदों की तवज्जो का मरकज बन गया, देखने वाले दंग रह जाते हैं। रायविंड तबलीगी इज्तिमा, लाहौर डिवीजन की तैयारियां मुकम्मल, शहरियों की आमद का सिलसिला शुरू, इज्तिमा के दाखिली रास्ते पर वॉक थ्रू गेट नस्ब, सिक्योरिटी अहलकार पहुंच गए।
न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में इंग्लैंड को हरा दिया। मैच का फैसला सनसनीखेज मुकाबले के बाद हुआ। न्यूजीलैंड की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की शानदार सेंचुरी। लाहौर में रुस्तम जमा गामा पहलवान टाइटल का मुकाबला। हामिद खान पहलवान जीत गए। हामिद खान पहलवान ने शाह सवार पहलवान को चित कर दिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने गैर मुल्की गोल कीपर कोच की खिदमात हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका पीटर्स एल्सम्स कराची पहुंच गए, ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दी। करीब आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। आतिशबाजी ने खुशियों भरे मेले को चार चांद लगा दिए। सरमाई ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब। तैयार है पूरा पाकिस्तान। सजने वाला है मैदान। शिमाली कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम रोकना है तो पाबंदियां हटा दी जाएं। चीनी वजारत खारजा ने अमरीका से मुतालबा कर दिया। शाम में बमबारी से हलाकतों की तादाद 500 से बढ़ गई। सलामती काउंसिल में जंग बंदी की करारदाद मंजूर। तुर्क सदर का कहना है बेगुनाह शहरियों पर बमबारी नहीं कर रहे। चीन में एयरपोर्ट पर खड़े जहाज के लगेज बॉक्स में आग। मुसाफिर के सामान में पावर बैंक फटा तो आग भड़क उठी। अमरीकी रियासत केंटकी में बारिशों के बाद सैलाब। हजारों गाड़ियां और घर डूब गए। लोगों की इलाके से नकल मकानी। बारिशों से जल थल एक। मदीना मुनव्वरा और तबूक में शदीद यालाबारी। गाड़ियों के शीशे टूट गए। गुजरावाला में काश्तकार का सब्जियों से प्यार। शादी के रोज फूलों की बजाय सब्जियों से सजाई अपनी कार। टमाटर मिर्च मटर धनिया और गाजर से सजी कार के साथ लोगों की सेल्फियां। तैयार है पूरा पाकिस्तान। सजने वाला है मैदान। कौन उड़ाएगा विकेटों को? कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान? फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ। देखिए PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला? शरीफ इसलिए आपको निकाला कि आपने इस कौम का 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके गए। शेख मुजीब रहमान जिसने पाकिस्तान को तोड़ा ये कहता है कि मैं शेख मुजीब रहमान बनना चाहता हूँ। मेरे अजीज हमदर्दों अस्सलाम वालेकुम। 24 न्यूज तैयार है पूरा पाकिस्तान। सजने वाला है मैदान।
कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान। फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ देखिए PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला शरीफ, इसलिए आपको निकाला। मैं हूं तारिक मतीन और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आपने जानी, सियासत मईशत मौसम सब पर होगी बात, मगर एक ब्रेक के बाद। 4G वाईफाई डिवाइस तैयार है पूरा पाकिस्तान, सजने वाला है मैदान, कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान। फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ देखिए PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला शरीफ, इसलिए आपको निकाला कि आपने इस कौम का 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके गए। शेख मुजीबुर्रहमान जिसने पाकिस्तान को तोड़ा, ये कहता है कि मैं शेख मुजीबुर्रहमान बनना चाहता हूँ। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम अलैकुम। देखिए प्रोग्राम मेरे अजीज हमवतनों वीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं। जम्हूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समरात क्यों नहीं पहुंचती। इंसाफ आईन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं। 35 साल से ज्यादा जम्हूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए। इस्लामी जम्हूरी पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों। इस मुल्क में हकीकी जम्हूरियत है या टायरनी ऑफ मेजोरिटी। आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। तमाम ने खूब किया लेकिन लगातार 2 मैचेस जीतने वाली मुल्तान सुल्तान्स को PSL में पहली शिकस्त हो गई, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहली कामयाबी समेट ली। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलकर 113 रन बनाए, इस्लामाबाद ने हदफ 18वीं ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। इस्लामाबाद के हुसैन तलत ने 48 रन की शानदार इनिंग्स खेली, मुल्तान के इमरान ताहिर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। Hussain Talat and Islamabad United getting on the board. Up and over. Ends the game, wins the match. Gets 48, not out. Hussain Talat. Yeah, he's giving it the big kiss for Islamabad. Couldn't say a true blue. Red man. Well played to Hussain Talat and Islamabad United getting on the board. With-
PSL 3 के तीसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बहुत सख्त मुकाबला किया मुल्तान सुल्तान्स ने, सरदर्दी लगाई, लेकिन एक ऐसा टोटल नहीं था कि जिसको बचा पाते, और इसी बिना पर बॉलर्स अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद भी कामयाब नहीं हो सके। बारिश के बाद एक डैम्प पिच पर यह मुकाबला था, इसी बिना पर मुल्तान सुल्तान्स स्कोर पर बड़ा मजमूआ सजाने में नाकाम रहे, और ये हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। तैयार है पूरा पाकिस्तान। सजने वाला है मैदान, कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान। फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ देखिए PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान। इसका यही मतलब है कि हम बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हैट ऑफ टू द ऑपोजिशन, दे प्लेड वेल और दे डिजर्व द विन। अच्छा इमरान, जिस तरह पहले दो मैचेस खेले और ये वाला मैच, तो क्या ऐसी चीज़ है जो मुल्तान सुल्तान्स को बाकी टीमों से जो है मुनफरद बना रही है इस सीरीज में? मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे पास ग्रेट कोचिंग स्टाफ है, और आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न कि वी डूइंग सो वेल, और I can't say any other thing, but we're gonna do well, inshallah. Imran, last question. Multan Sultans ke chahne walon ko kya message denge ke league mein kahan dekhte hain aap? Multan Sultans walon ko kya? Multan Sultan ke chahne walon ko main ye kehna chahunga ki unka bahut shukriya, hame keep supporting us, aur inshallah taala hum unke liye bahut acha karenge. Bahut shukriya Imran. Suna apne Imran Tahir ko kehna tha ke jo goge aaj ka match wo haar gaye hain, lekin Multan ke chahne walon ke liye paigham ye hai ke wo Multan ke liye zarur kamyabi hasil karenge. Ji हाफिज शहबाज अली, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं सानिया मिर्जा ने अपने खाविंद शुएब मलिक की सेहत का राज बता दिया। कहती हैं शुएब अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखते हैं, और यही वजह है कि इस उम्र में भी उनकी फिटनेस का जवाब नहीं। Yeah, they do, and but it's a long tournament, as we all know. So, but it's always good to get those first couple of scores on the board, right? And I think that he's really excited to be with this new team as well, as what I've heard as well. And yeah, so it's a lot of fun. They're struggling a bit today, but like I said, it's a long tournament. Heath, तैयार है पूरा पाकिस्तान। सजने वाला है मैदान। कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान। फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ। Game four, I wasn't here, so yeah, as always, hopefully more people will come for the evening matches, but hopefully more for the afternoon matches as well. PSL और मुल्तान सुल्तान्स की धूम भारत तक पहुंच गई। भारत के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कोच रॉबिन सिंह भी मुल्तान सुल्तान्स के मद्दाह निकले। कहते हैं मुल्तान सुल्तान्स PSL की फेवरेट टीम है। Robin, we see you are met here in Karen Pollard and many other cricketers of Multan Sultan. What are you thinking about Multan Sultan's new team, and where Imran Tahir is in, Karen Pollard, Sangakkara? What is you are thinking about their team? Yeah, I think they, to me, I think they are favorites. They have a really good side. People like Pollard, you have Shoaib Malik is a really good leader. He's been with me in Barbados Tridents as well as Pollard. And apart from that, they have a really good side. Imran Tahir is a very good bowler. So I think overall, I mean, they have a really well balanced team, and I would tip them as favorites to win the tournament. और साबिक टेस्ट क्रिकेटर बाजीद खान का कहना है कि मुल्तान सुल्तान्स ने शुएब मलिक और संगकारा जैसे तजुर्बेकार खिलाड़ियों को लेकर अच्छा किया। मुल्तान सुल्तान्स का कॉम्बिनेशन आइडियल है। आपने शुएब मलिक की बात की, आपने संगकारा की बात की, जो मुल्तान सुल्तान ने एक्सपीरियंस को पिक किया है, ये ऐसे प्लेयर हैं जो T20 में, या संगकारा तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में उसको आप कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। फिर उनकी मैनेजमेंट में वसीम अकरम और शुएब मलिक का बहुत पुराना वाबस्ता है। शुएब मलिक ने जब डेब्यू की तो वसीम अकरम कप्तान था, तो ये कनेक्शन भी उनके फेवर में चल रही है। और जब ये उन्होंने लिया शुएब मलिक को, तो वसीम अकरम ने कहा कि आई हैव गॉट द कैप्टन आई वॉन्टेड। लेकिन हमने बहुत दफ़ा देखा है कि शुरू में जो टीम अच्छी करती है वो बाद में उसको अच्छा नहीं करती।
और नाज़रीन ज़रा सोचिए कि इमरान खान अगर मुल्तान सुल्तान टीम के कप्तान होते तो वो टीम को कैसे संभालते, बता रहे हैं नामवर आर्टिस्ट और मुल्तान सुल्तान के ब्रांड एम्बेसडर सैयद शफात अली। अगर इमरान खान मुल्तान सुल्तान के कैप्टन होते तो वो अपनी टीम को किस तरह से गाइड करते? देखिए, मैं जब 92 में मैंने क्रिकेट खेली वो एक बड़ा अजीब दौर था। मैं आया, मैंने टीम को इकट्ठा किया और मैंने हमला किया और मैं वर्ल्ड कप जीत गया। बस क्रिकेट हमने ही खेली थी, बाकी आप लोग मतलब यू नो पीएसएल ही खेल रहे हैं। दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। आपको बताएं कि शाला फैसल पर फायरिंग करने वाले नौजवान अदनान पाशा को गिरफ्तार न किया जा सका। मुल्जिम का एक और वीडियो बयान मंजरेआम पर आ गया है। रिपोर्ट तैयार की है कराची से साद बुखारी ने। शाला फैसल पर में फायरिंग करने वाले नौजवान अदनान पाशा को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुल्जिम के खिलाफ भादराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरकार की मुदैयत में दर्ज किए जाने वाले मुकदमे में 504 और 506 बी की दफात लगाई गई है। मुकदमे में कहा गया है कि मुल्जिम की फायरिंग और धमकियों से शहरियों में खौफ और हिरास फैला। दूसरी जानिब अदनान पाशा का एक और वीडियो बयान सामने आया है। मैंने किसी गवर्नमेंट इदारे पुलिस रेंजर या किसी को भी एक्स वाई जेड चैलेंज किया हो वो एक वीडियो, आप इतनी वीडियोस चला रहे हैं ना तो वो भी एक वीडियो चला दे, मैंने तो किसी को नहीं चैलेंज। अदनान पाशा ने बताया उसके वालिद को 8 साल पहले कत्ल किया गया था। जिशान सईद नामी शख्स उनके वालिद के कत्ल में मुलव्विस है। कोई भी औलाद जब अपने बाप के कातिल का सुनेगी या कुछ भी ऐसा सुनेगी तो वो चुप बैठेगी, वो अपने अपने अंदाज में कोई ना कोई गुस्सा निकालता है। अदनान पाशा ने दावा किया कि जिशान सईद मेरे घर वालों को धमकियां भी दे रहा है। ये भी बताया कि उसने जिस असले से फायरिंग की थी वो लाइसेंस याफ्ता है। साद बुखारी, 24 न्यूज, कराची। कराची की शाराए फैसल पर अदनान पाशा ने नशे की हालत में जिशान सईद नामी शख्स पर इल्जामात लगाए। 24 न्यूज ने जिशान सईद को ढूंढ निकाला। दानियाल सैयद जिशान सईद के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीला जानेंगे। दानियाल बताएगा जिशान सईद का क्या कहना है इस हवाले से। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जो वीडियोज वायरल हुई है जिसमें अदनान पाशा नामी शख्स ने एरियल फायरिंग की है, जमात की बोचार की है जिशान उर्फशानी नामी शख्स पर। जो जिशान उर्फशानी नामी जो नौजवान है वो हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं। ये बताइए जिशान, क्यों इल्जामात जो अदनान है वो आप पर लगा रहे हैं? मेरे इल्म के मुताबिक अदनान मेरे छोटे भाइयों की तरह था, है और हमेशा रहेगा। ये जो एलिगेशन लगे हैं ये बेबुनियाद है, मतलब मेरा इस चीज़ से कोई लिंक नहीं है। मैं सामने आया हूँ तो सिर्फ इस वजह से कि आज जो उसने वीडियो अपलोड की है जहाँ से भी की है, तो ये मुझे बुरा लगा कि वो इस तरीके से मंशात डीलर बन गया। कल तक मैं उसके बाप का कातिल था, उससे पहले मैं कुछ और था। बिल्कुल, ये जिशान उर्फ शानी इनका नाम है और अदनान पाशा जो शख्स है जिसने इल्जामात लगाए थे शारे फैसल पे खुला आम फायरिंग करके पुलिस और कानून ऑफिस करने वाले इदारों को ललकारता रहा है अदनान पाशा नामी शख्स। लेकिन जिस शख्स के ऊपर इल्जामात लगाए जिशान के ऊपर, वो हमारे साथ मौजूद था और उसने अपना मौकफ़ दिया है और वो ये भी कहने को तैयार हैं कि वो पुलिस के सामने पेश होने को तैयार हैं। अदनान तुम भी आओ, पुलिस के सामने चलते हैं और जो भी होगा उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। जी अहम खबर शामिल करेंगे। कराची में शाराए फैसल पर हवाई फायरिंग करने वाले नौजवान अदनान पाशा की तफसीलात 24 न्यूज ने हासिल कर ली हैं। अदनान पाशा का वालिद अमीन पाशा बदनामी जमाना मुलजिम था जबकि चचा सोल्जर बाजार में पुलिस मुकाबले में मारा गया था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। दानियाल हमारे साथ मौजूद है। दानियाल बताइएगा। देखिये उत्तर, बिल्कुल शाराए फैसल पर जो नौजवान अदनान पाशा है जो फायरिंग करते हुए दिखाई दिया है सोशल मीडिया पे वायरल, ये वीडियो इस अदनान पाशा के अहले खाना की और अदनान पाशा की जो मजीद तफसीलात हैं वो 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। अदनान पाशा का जो वालिद है अमीन पाशा वो बदनामी जमाना मुलजिम था, मंशियात फरोश भी था। अमीन पाशा जो अदनान पाशा का बाप है उसके खिलाफ डकैती समेत मुख्तलिफ कार लिफ्टिंग के मुकदमा जो है वो दर्ज थे। पहली मरतबा 1994 में फैसलाबाद में अमीन पाशा गिरफ्तार हुआ था और पुलिस मुकाबले केस में मफरूर होकर पंजाब में रुपोश भी हो गया था। अमीन पाशा जिस घर में डकैती करता था वहाँ की गाड़ियां भी साथ ले जाया करता था, जबकि अमीन पाशा का छोटा भाई सोल्जर बाजार में पुलिस मुकाबले में मुबैना तौर पर हलाक हुआ था। अमीन पाशा के मजीद तीन साथी हैं जो पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं जबकि अमीन पाशा का डिफेंस। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। तैयार है पूरा पाकिस्तान,
सजने वाला है मैदान, कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान, फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ, देखिए पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला शरीफ, इसलिए आपको निकाला कि आपने इस कौम का 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके गए। शेख मुजीब रहमान जिसने पाकिस्तान को तोड़ा ये कहता है कि मैं शेख मुजीब रहमान बनना चाहता हूँ। मेरे अजीज हमवतनों अस्सलाम अलैकुम। देखिए प्रोग्राम मेरे अजीज हमवतनों पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं, जमहूरियत अगर बेहतरीन निजाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समरात क्यों नहीं पहुंचती, इंसाफ आईन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं, 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है, इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, आज अवाम अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजारे सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज, हक बयानी के कहत में मेरी जुबान कहत का शिकार हुई न होगी, आपकी राय मुहतरम मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार आवाम के लिए, हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आजम हूँ। बेटे क्यों बोलो, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JG वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओ नवाज शरीफ हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा प्राण, हम जीत गए हैं अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से, राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डीएनए। देखिए प्रोग्राम डीएनए 30 जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के बाद भी बच्चों से ज्यादती के वाकयात नहीं रुक सके। लोधरा में 6 साल बच्ची को दरिंदगी का निशाना बना दिया गया। चचाजाद ने ज्यादती का एतराफ कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद माजन। तहसील दुनियापुर में वार्ड नंबर 2 की 6 साल आसमा 6 रोज कबल 19 फरवरी की शाम अचानक घर से गायब हो गई थी। पुलिस 5 रोज तक आसमा को तलाश नहीं कर सकी। जुम्मे के रोज आसमा की लाश घर के करीब गंदे जोहर से मिली। पुलिस ने आसमा के साथ ज्यादती के बाद कत्ल के शुबा में 5 के करीब मुलजिमान को हिरासत में लिया था। DPO लोधरा अमीर तैमूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चचाजाद भाई 18 साल मुलजिम हैदर की जानिब से आसमा को कत्ल किए जाने के इंकशाफ के हवाले से मीडिया को आगाह किया। ये मर्डर भी है और सॉडमी भी हुई है। ये 19 को ये वाकया हुआ है। जब डेड बॉडी मिलती है तो एक दिन उसने ये डेड बॉडी जो है पानी में नहीं फेंकी, पानी में उसने दूसरे दिन फेंकी है। DPO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुलजिम ने ज्यादती के बाद आसमा को कत्ल किया और लाश जोहड़ में फेंक दी। इस मौके पर उनका कहना था कि DNA के हवाले से तमाम शवाहिद इकट्ठे करके हमने 12 घंटों में लाहौर भेज दिए थे और सिफारिश की गई है जितनी जल्दी हो सके DNA रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने बताया कि DNA के टेस्ट के अलावा मुलजिम के पॉलीग्राफिक टेस्ट की भी सिफारिश की गई। मेरा मुतालबा है कि उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा और यहाँ मैदान के अंदर सजा हो उसको। RPO मुल्तान अदरीस अहमद ने जाए वकुआ का दौरा किया और अहले खाना से ताजियत भी की। आसमा के वालिद जमील और अहले इलाका का कहना है कि मुलजिम के पकड़े जाने के बाद मुलजिम को इबरतनाक सजा देते हुए सरेआम तख्तेदार पर लटकाया जाए। पेशावर में मुफ्तखोरी सरगर्म हो गए। पेशावर में मोबाइल फोन की शॉप पर नौसरबाज ने फनकारी दिखाई और दुकानदार से मोबाइल निकलवाए और उठाकर चलता बना। मजीद जानेंगे आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब मोहम्मद, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, पेशावर के मार्केटों में शोरूम के बाद अब बगैर चोरी के वारदात शुरू हो गए हैं और इस तरह एक फनकार बंदा जो सदर में वाकई है, एक नौजवान जो पैसे दिए बगैर मोबाइल ले जाने में कामयाब हो गया, दुकानदार को होशियार कर दिया। सदर में वाकई यादगार मोबाइल शॉप में एक नौजवान ने खरीदारी के गरज से मोबाइल लिया और धोखाबाज गाज जब यहाँ पर आया तो थोड़ी देर तक ठीक। आफ्ताब मोहम्मद, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए आपका। मंडी बहाउद्दीन से आपको खबर दें जहां चोरों ने सोने की दुकान लूट ली। CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। चोर 70 तोले सोना और 3 लाख से जायद नकदी ले उड़े। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे साजिद मुगल से। साजिद मुगल, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, ये वाकया थाना मलकवाल से कुछ फासला पर मेन बाजार में मुदस्सर ज्वेलर की दुकान पर रात 9:45 पेश आया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 डाकू दुकान के अंदर दाखिल हुए और इंतहाई चलाकी का मुजाहरा करते हुए दुकान के अंदर लगे CCTV कैमरा पर पेंट स्प्रे करते हैं और दुकान में रखी सेफ को वेल्डिंग के जरिए काट कर इसमें पड़े 70 तोले तलाई जेवरात और 3 लाख नकदी ले उड़े। क्योंकि थाना मलकवाल बाजार के अंदर ही मौजूद है। बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए आपका। लाहौर में बीबी पाकदामन सलामुल्लाह अलैहा के उर्स की तकरीबात का आज तीसरा और आखिरी रोज है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद दरबार पर हाजिरी देने पहुंचे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, बताइएगा कैसी फिजा देख रहे हैं आप यहाँ? दरबार
دربار بی بی پاک کا جو جس پاس پابلیا کو میں اس کی تقریبات جاری ہیں پہلے دو روزہ تقریبات ہو چکی ہیں آج تقریبات کا دن ہے اور تیسرا اور آخری تقریبات کا دن ہے البتہ یہاں پر تیسرے روز جو ہے اختتامی روز میں مختلف تقریبات کا جو انعقاد کیا گیا ہے اس میں محفل نعت بھی ہے اور دیگر جو تقریبات ہیں وہاں کا بھی انعقاد کیا گیا اور یہاں پر اطلاع ہے کہ رات ایک بجے جو ہے وہ اختتامی دعا کی جائے گی ملک بھر سے جو عقیدت مند عقیدت رکھنے والے جو ہے افراد ہیں اور زائرین جو ہیں وہ کثیر تعداد میں یہاں پر شرکت بھی کر رہے ہیں جی ارسلان بہت شکریہ آپ کا یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا تیار ہے پورا پاکستان سجنے والا ہے میدان کون اڑائے گا وکٹوں کو کون لائے گا چوکے چھکوں کا طوفان فیورٹ کھلاڑیوں سے تجزیہ کاروں تک سب ایک ساتھ دیکھیے پی ایس ایل کی اسپیشل ٹرانسمیشن کرکٹ کے سلطان صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر دیکھیے خصوصی پروگرام کرکٹ کے سلطان روزانہ شام 5 بجے صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا شریف اس لیے آپ کو نکالا کہ آپ نے اس قوم کا 300 ارب روپیہ چوری کر کے باہر لے کے گئے شیخ مجیب الرحمان جس نے پاکستان کو توڑا یہ کہتا ہے کہ میں شیخ مجیب الرحمان بننا چاہتا ہوں میرے عزیز ہمدردوں السلام علیکم دیکھیے پروگرام میرے عزیز ہم وطنوں پیر سے جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باکردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک ثمرات کیوں نہیں پہنچتی انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کیوں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹائرنی آف میجورٹی آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس پر دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیر سے جمعرات رات 10:03 پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر بازار سیاست میں ہر طرف شور کہیں ذاتی مفادات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے ایوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قحط میں میری زبان قحط کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے محترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام کے لیے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر مت بولو میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں بیٹے کیوں بولو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے او نواز شریف ہمارے آئے سونیا میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزادی اسد شہباز میں جب بھی دوربین سے دیکھتا ہوں مجھے سازش نظر آتی آج دو کون آج افراد ہم جیت گئے ہیں
अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय ईद से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी सोच विचार भी जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती है बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA तीस जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं बिगड़ती, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अफवाह की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ, पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। وتنزع الملك ممن تشاء جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں، اسرافیل اور یہ تیرا غلام، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت دے دے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے، اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا احسان ہے، وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے۔ یہاں بت پڑے ہوئے ہیں، یہاں خیر پڑے ہوئے ہیں، یہاں مخلوق آ گئی ہے، اسے فرج کے نکال۔ اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے 4 کام ضروری ہیں: ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صبر۔ سر بازار نیلام میرے مولا، مظلوم کی ہم سننے والا کوئی نہیں میرے آقا۔ دیکھیے پروگرام حیال الفلاح روزانہ صبح 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ तैयार है पूरा पाकिस्तान, सजने वाला है मैदान, कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा
बनेगा चौके छक्कों का तूफान। फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ देखिए PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? शरीफ इसलिए आपको निकाला कि आपने इस कौम का 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके गए। शेख मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान को तोड़ा ये कहता है कि मैं शेख मुजीबुर रहमान बनना चाहता हूँ। मेरे अजीज हमवतनों अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? देखिए प्रोग्राम मेरे अजीज हमवतनों वीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जम्हूरियत अगर बेहतरीन निज़ामे हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुंचती? इंसाफ आईन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जम्हूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जम्हूरी पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जम्हूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजारे सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए इस शोर में दब गई जम्हूर के ऐवानों में जम्हूर की आवाज। वादा किया था। इसके अलावा वो 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। मायानाज बॉलीवुड स्टार ने ना सिर्फ अपने कैरियर के पहले हिस्से में शानदार अदाकारी की बल्कि कैरियर के दूसरे हिस्से में इंग्लिश और माम जैसी फिल्मों में जानदार अदाकारी से सबको हैरान कर दिया। तैयार है पूरा पाकिस्तान। मोदी खवातीन का मुकाबला हुस्न हुआ। मिस जम्मू के मुकाबले में ख्वाजा सराओ ने भी हिस्सा लिया जबकि ये मुकाबला बेंटीटा ने जीता। नहीं मेरी मोटो